मेरे व्हाट्सएप के इनबॉक्स में बधाइयों के मैसेज के बीच नौकरियों के मैसेज आने लगे हैं। मैं फिर से उस मैसेज में लोकतंत्र में खत्म होती संख्या के महत्व को देखता जा रहा हूं। मैसेज भेजने वाला अपनी नौकरी की समस्या के साथ हजारों या लाखों की संख्या को जरूर जोड़ता है। मैं यही सोचता हूं कि जब उसके पीछे इतनी बड़ी संख्या है तो फिर उसकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही, क्यों वे इतने परेशान हैं और महीनों के बाद भी उनकी समस्या जस की तस है। बहुत दिनों से CGL 2017 के पीड़ित छात्र लिखते हैं कि हजारों की संख्या में चुने जाने के बाद लिस्ट से बाहर कर दिए गए, इनकी कोई नहीं सुन रहा। आज पहले रेलवे के ग्रुप डी के बहुत सारे परीक्षार्थियों के फ़ोन और मैसेज आए, फोटो या अन्य तकनीकी आधार पर उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए। दूसरा मैसेज आया बिहार से, 2019 में वहां असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के 1600 पदों का विज्ञापन निकला था। सारी प्रक्रिया पूरी हो गई लेकिन हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया, यह कहकर कि विज्ञापन में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग यानी गेट को प्राथमिकता देना गलत है। नौजवान कह रहे हैं कि सारी प्रक्रिया पूरी हो गई तो उन्होंने पुराने नौकरी से इस्तीफा दे दिया या नए जगह का नामांकन नहीं किया, लेकिन जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आता तब तक कैसे मान सकते हैं कि उनकी नौकरी हो गई, वो भी तब जब सरकारी नौकरियों की भर्ती की प्रक्रिया की कोई विश्वसनीयता नहीं है। मैंने नौकरी सीजन बंद कर दी है, इसके कारण विस्तार से कई बार बता चुका हूँ। यह समस्या विकराल है, मेरे पास अनगिनत परीक्षाओं की रिपोर्ट करने के लिए संसाधन नहीं है, न ही कश्मीर जैसी समस्या के सामने यह संभव है कि इस परीक्षाओं पर चर्चा करें। खुद पीड़ित युवाओं के परिवार वाले भी टीवी पर वही देख रहे होंगे जो उन्हें दिखाया जा रहा होगा, ऐसा ही वो कर रहे होंगे। मेरा मानना है कि हर युवा अलग अलग स्वार्थ समूह में बटा हुआ है, सभी मिलकर के ईमानदार परीक्षा व्यवस्था की मांग नहीं करते हैं। अगर हर परीक्षा के युवाओं का दावा सही है कि उनकी संख्या लाखों में है, फिर भी यह लेख भी लाखों में पहुंचाया जाना चाहिए, पता चलेगा कि वे अपनी मांगों को लेकर के कितने जागरूक हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य का पुनर्गठन जिन कारणों के आधार पर हुआ उसमें रोजगार भी प्रमुख है। यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश में रोजगार का हाल बहुत बुरा है। नौजवानों ने नागरिक होने की हैसियत गंवा दी है, उनकी संख्या चाहे 5 लाख हो या फिर 70,000 बेनामी हो चुकी है। इन सभी की अनगिनत प्रदर्शन किए, ट्वीट पर मंत्रियों के जमकर लिखा, फिर भी इनकी मांग अनसुनी रह गई। मैंने आपको बता दें कि अनगिनत प्रदर्शकों को कवर करते देखा हुआ है, तब शो में कई बार यह कहता हूं कि संख्या शून्य होती जा रही है। लोकतंत्र में संख्या की एक ताकत होती है, शून्य करने की प्रक्रिया दोतरफा थी। राज्य उदासीन हो गया है और जनता समर्थक में बदल गई है, लोगों ने राजनीतिक पसंद और मीडिया में फर्क करना बंद कर दिया है, मीडिया ने लोगों को कवर करना बंद कर दिया है और नेताओं ने लोगों की परवाह छोड़ दी है। जनता लगातार विमर्श के घेरे में है, जिसे मैं नैरेटिव नेशनलिज्म कहता हूँ। इस वक्त कश्मीर का नैरेटिव चल रहा है, किसी वक्त कुछ और नैरेटिव चलता रहता है, सारे नैरेटिव का एक राजनीतिक स्वर है, इससे बाहर निकालना मुश्किल है। जो जनता लाठी भी खा रही होती है, नौकरी गंवा रही होती है, वो तकलीफ में भी होती है, लेकिन इस नैरेटिव नेशनलिज्म से बाहर नहीं जा सकती। सरकार हमेशा निश्चित रहती है और जनता हमेशा सरकार की रहती है, जनता जनता नहीं रही, सरकार के लिए जनता एक अस्थाई समर्थक है। भले ही यह बात 100% जनता पर लागू नहीं होती, लेकिन जनता अब एक है, वह संख्या नहीं है, वो 100 है, लेकिन है एक, 20 लाख होकर भी एक सोच, एक रंग ही है, इसीलिए संख्या शून्य है। कभी इस पर सोचिए, वरना इतनी संख्या समस्या को नहीं होती यह सब, लेकिन इतने धारणा प्रदर्शन और लाठी खाने के बाद या कोर्ट में जीतने के बाद भी उनकी हालत ऐसी क्यों है, सोचिए और हमें कमेंट करके जवाब दीजिए।